जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? ये एक्स लिंक्ड, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब हमें क्या करना है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेट की डिजीज़ है ना, दो ही है हमारे पास, ठीक है, एक वाइट रिकेट्स है, ठीक है, एक रिकेट्स है, दूसरा रेटी सिंड्रोम है, ठीक है, एक वो भी है हमारे पास, क्या कहते हैं, एंटीबॉडी जिसकी बनती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, ठीक है, एल्पोर्ट सिंड्रोम। तो तीन ही डिजीज़ है एक्स लिंक डोमिनेंट की, ठीक है। तो हीमोफीलिया किस में आएगी? एक्स लिंक रिसेसिव में। अब वारफेरिन की टॉक्सिसिटी है, इसके लिए हम क्या देंगे, ठीक है, विटामिन के एंड एफएफपी, ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी यही है। अब सर्जिकल नेक ऑफ हीमरस का फ्रैक्चर है, ठीक है, जो हीमरस है ना, हीमरस का नेक ऑफ फ्रैक्चर है, ठीक है, बोला कौन सी नर्व जाएगी, ठीक है, एक्सिलरी नर्व। तो हमें पता है नेक ऑफ हीमरस में एक्सिलरी नर्व, मिड में रेडियल है, नीचे डिस्टल पे जाएगी मीडियल नर्व, आम निमोनिक बनाते हैं। पेशेंट एड आर टी ए आफ्टर विच ही स्पोक फ्लुएंटली बट लिटिल सेंस, मतलब समझ नहीं पा रहा जो बोल रहा है वो, हम समझ नहीं पा रहे, फ्लुएंटली बोल रहा है ना, तो मतलब कि ब्रोका इसका सही है, ठीक है, सेंस नहीं है तो कौन सा जाएगा, वर्निकीज एरिया। अब पेशेंट को इलियम निकाला, वाइटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी होगी, दूसरा बाइल एसिड्स की, टीबीटी फर्स्ट लॉजिस कहाँ पे होगा, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, ठीक है, पल्मोनरी वेन भी है पर पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉक होता है। नेचुरली अकरिंग एंटी थ्रोम्बोटिक्स कौन से, ठीक है, नेचुरली अकरिंग हमारे पास हेपरिन होता है, ठीक है, वो बना हुआ होता है हमारे टिश्यूज के अंदर, बॉडी के अंदर भी होता है। हेमी सेक्शन विथ टोटल स्पाइनल सेक्शन हम कर दिया है तो क्या होगा, स्पाइनल शॉक हो जाएगी, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड काटेंगे ना, या काटेंगे या एक्सीडेंट से किसी का चला जाएगा, उसको स्पाइनल शॉक होगी। स्पाइनल शॉक में क्या होगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप, हार्ट रेट, सब चीज़ ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि सारे नर्व्स स्पाइनल कार्ड से आते हैं सबको सप्लाई करने के लिए। अब इसको चीलियोसिस है, कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, ग्लोसाइटस है, तो क्या होगा इसको, ठीक है, राइबोफ्लेविन बी टू राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी है, यहाँ पे ग्लोसाइटस बनेंगे एंड चीलियोसिस ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। पेशेंट लॉस 2 लीटर वाटर, इसको लॉस किया, ठीक है, अब 2 लीटर प्योर वाटर दिया है, ठीक है, अब तो ये रटा लगाना चाहिए 7 बार आए कि ICF इसका डिक्रीज होगा। पेशेंट लॉस फाइन टच वाइब्रेशन प्रोप्रिसेप्शन लेग, ठीक है, अब लेग में, लेफ्ट लेग में से क्या किया है, इसका वाइब्रेशन चली गई, ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, ग्रेसिलेस। हमने निमोनिक बताया बनाया था कि ग्रेसिलेस है ना, गैस्ट्रोस्टोमियस मसल होती है लेग में, तो न्यूक्लियस ग्रेसिलेस क्या करता है, जो वाइब्रेशन प्रोप्रिसेप्शन जो लेग की ना वो लेके आता है, ठीक है, क्यूनिटियस ऊपर वाले एरिया के लेके आता है। सो यह पेशेंट है फ्लूइड लॉस, इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपोकैलेमिया, फ्लूइड लॉस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपोकैलेमिया है, ठीक है। मोस्ट फ्लूइड लॉस विल बी, मोस्ट जो फ्लूइड हमारा लॉस होता है ना कोलन से होता है, ठीक है, ये फ्लूइड लॉस कोलन से होता है। दूसरी चीज़ इसको ये भी दी हुई है कि इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिया है, ठीक है, हमेशा जब वोमिटिंग हो तो पेशेंट को क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, डायरिया में हमेशा क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इसीलिए होती है वोमिटिंग में, क्योंकि एसिड लॉस होता है, इसीलिए तो हमारे बॉडी के अंदर अल्कलोसिस होगी, ठीक है, और नीचे डायरिया में हमारा बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा लॉस होता है, इसीलिए क्या होगी, एसिडोसिस। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू, नाइट ब्लाइंडनेस हमें पता है विटामिन ए की वजह से होती है, पर कौन से, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल की वजह से। 5 ईयर्स बॉय प्रेजेंट पेरियो ऑर्बिटल जनरलाइज्ड एडिमा है, ठीक है, पेरियो ऑर्बिटल एडिमा भी है, जनरलाइज्ड एडिमा दोनों है, तो क्या है इसको, हाइपो अल्बुमिनिया एंड साल्ट रिटेंशन, ठीक है, हमें पता है हाइपो अल्बुमिनिया से होती है एडिमा, अब इसको पेरियो ऑर्बिटल एडिमिया है एंड दोनों है, ठीक है, जनरलाइज है, तो दोनों की वजह से होगी, हाइपो अल्बुमिनिया एंड साल्ट रिटेंशन दोनों की वजह से क्या होती है हमारी एडिमा। तो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग टिपिकल लोबार नमूनिया, ठीक है, टिपिकल लोबार नमूनिया है, इसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास अच्छा क्या है, स्पूटम कल्चर करना है, ठीक है, नमूनिया के लिए हमने करते हैं स्पूटम कल्चर, स्पूटम निकाल के उसमें बैक्टीरिया चेक करेंगे जो होंगे आ जाएंगे। ऑक्सीटोसिन गिवन फीमेल फीमेल बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट, दिस इज मोस्ट लाइक ऑक्सीटोसिन दिया है, काम नहीं करी तो क्या है, रिसेप्टर नहीं होंगे इसलिए रिस्पॉन्स नहीं कर, रिपीट है ये भी। अब पेप स्मियर ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल शोज माइल्ड डिस्प्लेस इन सर्विक्स, ठीक है, माइल्ड है तो क्या है, CIN1, ठीक है, मॉडरेट है तो CIN2, सीवियर है तो CIN3, ठीक है, माइल्ड मोल्ड मॉडरेट माइल्ड है तो क्या है, CIN1 है, ठीक है। 29 फीमेल प्रेजेंट विद लेथार्जी एंड इनएबिलिटी फॉर द लास्ट 5 ईयर, लेब शोज हीमोग्लोबिन 9.5, MCV इसका 70 है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है, MCV कट है, तो उसको क्या है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया तो है,
पर MCHC इसका लो है विथ नॉर्मल WBC एंड प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है। ठीक है, हमने आयरन दी है सप्लीमेंट ये 52 मंथ शोज हीमोग्लोबिन इसका 10 ही है। ठीक है, इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया की वजह से हमने आयरन दिया है फिर भी सही नहीं हो रहा, तो क्या है इसका, अब क्या चेक करेंगे, फेरेटिन लेवल चेक करेंगे। ठीक है, ये अच्छा बेसिक है, हमेशा आयरन देने के बाद भी सही नहीं हो रहा तो हम पहले क्या करेंगे, टेस्ट फेरेटिन। ठीक है, अब इसकी मेडिसिन में बहुत सारे टेस्ट कराते हैं सीक्वेंस वाइज, वो हमें काम की नहीं है, बहुत सारी याद करनी पड़ेंगी, इसीलिए हम यही करते हैं कि पेशेंट आया था हमारे पास बेसिक ऐसा था जिसमें क्या था, आयरन उसका कम था, फिर भी उसको दोबारा आयरन लग दिया था, फिर भी उसका आयरन कम नहीं हो रहा था, उसमें टेस्ट कौन से करेंगे, फेरेटिन चेक करेंगे कितना है उसके अंदर। नर्व सप्लाई टू द नेक मसल इज, क्योंकि वो जो फेरेटिन लेवल हम चेक करके थैलेसीमिया से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई टू बैक मसल इज फ्रॉम नर्व, अब बैक की मसल्स को कौन सप्लाई है, डॉर्सल रेमा ऑफ द पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व। अब पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व दो में डिवाइड होती है। ठीक है, अब स्पाइनल कार्ड से हर लेवल पे दो नर्व निकलती है, एंटीरियर स्पाइनल नर्व एक पोस्टीरियर, पोस्टीरियर जाएगी पीछे, पोस्टीरियर में दो डिवाइड होगी। ठीक है, पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व दो रेमा में डिवाइड होगी, एक डॉर्सल रेमा है, एक एंटीरियर रेमा है या वेंट्रल रेमा है। जो डॉर्सल रेमा है वो हमारे स्पाइनल कार्ड की बैक मसल को सप्लाई करेगी। ठीक है, नर्व सप्लाई टू एडिनल मेडुला इज फ्रॉम, एडिनल मेडुला की नर्व सप्लाई कहाँ से आएगी, प्री गैंग्लियनिक ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व, क्योंकि एड्रिनल मेडुला हमारे इस लेवल पे होता है, क्या कहते हैं, किडनी के लेवल पे। ठीक है, तो किडनी के लेवल पे स्टमक को, लीवर को, इसको जो भी सप्लाई होती है ना, गांव कौन लेके आता है, ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व। एक्चुअली ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व कुछ भी नहीं है, ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स है जो हमारे स्पाइनल कार्ड से, प्री गैंग्लियनिक सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, जो स्पाइनल कार्ड से आ रहे हैं कहाँ तक, वर्टिब्रा के आगे जो प्री गैंग्लियन गैंग्लियंस पड़े हैं जैसे सीलिए गैंग्लियन है ऐसे। ठीक है, तो नर्व सप्लाई ऑफ एड्रिनल मेडुला की कहाँ से आती है, ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व से, प्री गैंग्लियनिक ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व। द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होगा, आर्थराइटिस, हमें पता है कि हर डिजीज़ ऑटोइम्यून में देखेंगे ना आर्थराइटिस पड़ी होगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, ठीक है, शोग्रन सिंड्रोम, जो भी देखेंगे ना, ठीक है, सर्काइडोसिस, सब के अंदर आर्थराइटिस पड़ेगी, तो आर्थराइटिस इज, या सिंपली कहने के जॉइंट सबसे ज़्यादा ऑटोइम्यून डिजीज़ में अफेक्ट होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज कॉमनली बाय यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज क्या कराते हैं, ठीक है, कैटरेक्ट, ये सिंपल है, इसीलिए कहते हैं जो बाहर धूप में ज़्यादा घूमते हैं ना उनको कैटरेक्ट होता है। ठीक है, व्हिच ड्रग डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड लेवल कौन कम करेगी, फाइब्राइट, ठीक है, हमेशा फाइब्राइट हम देते हैं ट्राइग्लिसराइड को लेवल कम करने के लिए। ठीक है, जेमी फिब्रोस लिए क्या है हमारी, फाइब्राइट है। रेजिस्टेंट इंक्रीज रेनिन अकर्सन, ठीक है, कंटिन्यूसली इसका इन रेनिन रिलीज होता रहेगा, किस में, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में, जिसको भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगी ना उसको हम कहते हैं कि उसको 20 या 30 एज तक उसको हाइपरटेंशन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी है वो सही ख़राब हो चुकी है, कंटिन्यूसली रेनिन रिलीज़ करती रहती है। ठीक है, इसीलिए पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कंटिन्यूसली रेनिन रिलीज़ करती है। 55 ईयर ओल्ड है, ठीक है, पास्ट हिस्ट्री इसको एपिगेस्ट्रिक पेन की है, एंटी एसिड ले रही है, गैस्ट्रिक लिम्फोमा हुआ है, तो हमें पता है गैस्ट्रिक लिम्फोमा का काज पूछ रहा कौन कराता है, एच पायलोरी, हमें पता है एक ही बैक्टीरिया है जो कैंसर कराता है, दैट इज़ गैस्ट्रिक लिम्फोमा, कराता कौन है, एच पायलोरी, सिंपल है। ठीक है, अब इसको कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमें काम की चीज़ देखते हैं, सिर्फ काम की चीज़ देखेंगे। ठीक है, एपिथेलॉइड सेल्स है, लिम्फोसाइट जायंस है, तो ये क्या है, ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा मतलब टीबी मतलब टीबी के अंदर क्या मिलेगा, केजियस नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी ये होती है। ठीक है, एपिथेलॉइड सेल्स, लिम्फोसाइट जायंट सेल, ठीक है, ये पूरी पिक्चर किसकी है, ग्रेनुलोमा की। अब ग्रेनुलोमा होता क्या है, एक एपिथेलॉइड सेल होंगे सराउंडेड बाय रिम ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है ग्रेनुलोमा की, यानी ग्रेनुलोमा मिलती है टीबी में, टीबी में मिलती है केजियस नेक्रोसिस। ठीक है, अब सोल्जर है, काम से आया, काम नहीं है, काम का नहीं है। ठीक है, 12,000 feet अब हो रहा है। ठीक है, अब 12 आवर हमारे पास आया डिस्निया की वजह से, क्या है इसको, पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, बड़ी बड़ी सांसें लेता है इसीलिए इसको क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, पल्मोनरी वेन आर्टरी रप्चर हो जाती है, फ्लूड पूरा लीकेज हो जाता है लंग्स के अंदर, तो सिंपल है, कुछ ही नहीं करना। ठीक है, FCPS का मतलब है रट्टा, तो क्या है, पेशेंट हमारा ऊपर जा रहा है, तो क्या है, अब उसको लंग्स के सिम्टम आ रहे हैं 12 घंटे से। ठीक है, 12 घंटे से पहले, तो वो क्या होगा, इसको पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, अब 5 ईयर से फीवर है, प्रोग्रेसिव लेथार्जी है, ब्लड रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन 7 है। ठीक है,
WBC 3.2 है, ठीक है, ये नॉर्मल है। न्यूट्रोफिल 88% है, सही है। लेम्फोसाइट प्लेटलेट सब सही है। इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराएंगे, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल 88% है, प्लेटलेट्स कम है, ठीक है, 50,000 है, ठीक है, 50,000 तो प्लेटलेट्स 1,50,000 होते हैं, ठीक है। लेम्फोसाइट्स इसके कम है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रोफिल 88% है ना, तो बाकी 12% कौन हो गए, लेम्फोसाइट। तो नॉर्मली लेम्फोसाइट होते हैं 33%, ठीक है। तो तीन चार चीज़ें इसकी कम है, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, लेम्फोसाइट, तीन चीज़ें कम है। तो क्या है इसको, अप्लास्टिक एनीमिया। एंड अप्लास्टिक एनीमिया की टेस्ट कौन से करते हैं, बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट काम की चीज़ देखनी है, क्योंकि बड़े बड़े सिनेरियो हमें वो नहीं पढ़ना। अब इसको एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इसका बढ़ा हुआ है, ऑटोप्सी में हमें देखा कि ट्यूनिका मीडिया टूटी हुई है, ठीक है, एक तो एनिरिज्म है। तो हमें ये 6 बार रिपीट है कि ट्यूनिका मीडिया या टूटी हुई हो एनिरिज्म के अंदर, वो क्या है, बेरी एनिरिज्म, ठीक है। बेरी एनिरिज्म के अंदर क्या है, ट्यूनिका मीडिया टूटी हुई मिलती है, मोस्टली हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के अंदर मिलती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज अ साइड इफेक्ट ऑफ किसका है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक ही ड्रग कराती है, क्विनिन, ठीक है। अच्छा, बेसिक से क्विनिन पढ़ेंगे ना हम, उसके अंदर फर्स्ट एड के अंदर पहले ड्रग लिखी हुई एंटी एरिथमिक, ठीक है, क्लास वन में लिखा हुआ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो क्विनिन का साइड इफेक्ट क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डेफिनेट टेस्ट पर टीबी की डेफिनेट टेस्ट क्या है, AFB, ठीक है, वो करते हैं एसिड फास्ट टेस्ट करते हैं, एसिड फास्ट टेस्ट इज डायग्नोसिस फॉर टीबी, ठीक है। पेशेंट को डिप्थीरिया है, ए यंग बॉय हैड गिवन डिप्थीरिया वैक्सीन, ठीक है, जस्ट क्या है, वैक्सीन लगाई है, 2 हफ्ते बाद हमारे पास आया फीवर रेस्ट जॉइंट पेन में। तो हमने टाइप 3 में हमने पढ़ा था सीरम सिकनेस, ठीक है। सीरम सिकनेस में होता क्या है कि सीरम सिकनेस एक ऐसी चीज़ है, टाइप 3 रिएक्शन है, इसमें होता क्या है, किसी को एंटीबायोटिक देने से या वैक्सीन देने से या किसी के इन्फेक्शन के बाद, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एंटीजन बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन के जाके जॉइंट में स्किन पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। जॉइंट पेन करेगा, स्किन में रेश करेंगे, इसको कहते हैं आर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस। एंड सीरम सिकनेस एग्जांपल ऑफ टाइप 3 रिएक्शन, ठीक है, इसीलिए हाइपरसेंसिटिव में टाइप 3 में सीरम सिकनेस लिखा हुआ है, वो थोड़ा रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अब ड्राई माउथ ड्राई आई शोग्रन सिंड्रोम, ठीक है, टेस्ट क्या करेंगे, एंटी एस एस ए को कहते हैं एंटी एस एस ए या एंटी एस एस बी। इन्वेस्टिगेशन फॉर हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, ठीक है। अब हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसके अंदर क्या मिलती है, एंटीबॉडीज मिलती है किसके अगेंस्ट, थायरोग्लोबुलिन के अंदर एंड TPO, ठीक है, दोनों के अगेंस्ट इसको डैमेज कर देती है, इसलिए हमारे थायरॉयड ग्लैंड T3 T4 बनाते ही नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टली, यानी इसीलिए कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टली मैंने कौन बताना है, ST सेगमेंट, ठीक है। अगर ऐसे पूछे कि वेंट्रिकुलर सिस्टली कौन बताता, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कौन बताता, QRS, ठीक है, एंड वो पूछे तो कि सिस्टली कौन बताता है, सिस्टली में हमारी होगी ST सेगमेंट। अ पेशेंट सर्वाइकल डिस्प्लेसिया इज सस्पेक्टेड टू हैव ए सर्वाइकल कैंसर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एडवाइस इनिशियली व्हिच इजीली परफॉर्म्ड यूजफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। पेशेंट ने सर्वाइकल डिस्प्लेसिया है, तो हमें पता है सर्वाइकल कैंसर या सर्वाइकल डिस्प्लेसिया के अंदर कौन से टेस्ट करते हैं, पेप्समियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ लो एम्पलीट्यूड QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ लो एम्पलीट्यूड QRS है हमारे पास OLD MI, ये भी 6-7 बार रिपीट है, ठीक है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ लो एम्पलीट्यूड QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, OLD MI, कि OLD MI जिसको होगा ना उसका QRS कॉम्प्लेक्स ना वो छोटा मिलेगा, ठीक है। अगर हमें पूछे ये ऊपर वाला BCQ कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कौन बनाता है, बताता है हमारा, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स। सिस्टली पूछे तो अब डीपोलराइजेशन सिस्टली में फ़र्क है, डीपोलराइजेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, एंड सिस्टली मतलब कॉन्ट्रेक्शन, सिस्टली हमेशा डीपोलराइजेशन के बाद होगी, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ST सेगमेंट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टली, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। प्राइमोडियल जर्म सेल्स इन एम्ब्रियोज आर फॉर्मड इन, ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स इन एम्ब्रियो फॉर्म कहाँ पर बनते हैं, ठीक है,
ये बनते हैं थर्ड वीक में, प्राइमर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं थर्ड वीक के अंदर, ठीक है। एब्डोमिनल एंजाइना लीडिंग टू मेसेंटेरिक इस्कीमिया अकर्स ड्यू टू नैरोइंग ऑफ, ठीक है। एब्डोमिनल एंजाइना अब है इसको मेसेंटेरिक इस्कीमिया हो गया, कौन सी आर्टरी जाएगी इस समय, ठीक है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज ए मेजर आर्टरी फॉर स्मॉल इंटेस्टिन, ठीक है। तो जब भी स्मॉल इंटेस्टिन को ब्लड नहीं होगा इसको एंजाइना लाइक सिम्टम आएंगे, ठीक है। एंजाइना मतलब कैसे, जब भी खाना खाएंगे तब इसको पेन होगा एब्डोमेन में, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रेटिना, आउटर मोस्ट लेयर रेटिना का क्यों होती है, लास्ट लास्ट पिगमेंटेड, ठीक है। तो सारी नहीं याद करनी, यही याद करनी है कि लास्ट वाली पिगमेंट कौन सी लेयर होती है, रेटिना की पिगमेंटेड लेयर। ओरल सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस क्या है, ये प्री मेलेग्नेंट है, ठीक है। ये पहले भी 6-7 बार आ चुका है, ठीक है। ठीक, उसमें पूछा था कि कौन सी चीज़ प्री मेलेग्नेंट है, सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, ठीक है। क्लासिक हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय, ठीक है, ये होता है फैक्टर 8 माइनर से, ये भी अच्छा बेसिक है सर, ठीक है। माइनर है पर कराती कौन सी है, क्लासिक, तो क्लासिक का पूछिए तो क्या है, फैक्टर 8 माइनर, ठीक है। ये रट्टा लगाना पड़ेंगे, थोड़ा मुश्किल है रट्टा लगाना पर लगाने पड़ेंगे, थोड़ी कोशिश करें हो जाएगा, ठीक है। आप पेशेंट इसको एब्डोमिनल सर्जरी की है, सर्जरी के बाद इसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ रहा है, ठीक है। सर्जरी के बाद अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ रहा है तो क्या है, तो क्या है, लाजमी है सर्जरी करके टाइम अंदर कोई आर्टरी तोड़ दी होगी, अंदर ब्लड अकुमलेट हो रहा होगा, तो अब उसको बीपी इसका कम है, ट्रेकिकार्डिया है, तो क्या है, तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक है, ठीक है, क्योंकि आर्टरी के अंदर ब्लड कम है इसलिए हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया इसको। उसके बाद बेबी एक्सचेंज की है ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू एबीओ डिजीज़ न्यूबॉर्न, 10 दिन बाद डेवलप्ड, ठीक है, एरिथमान पाम रेज्ड बिलिरुबिन एएसटी, तो ये क्या है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। हमेशा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में क्या है, ब्लड या कुछ भी लगाने के बाद 10 या एक हफ्ते बाद हमारे पास पेशेंट दो चीज़ें में प्रेजेंट करेगा, दो चीज़ें मेन चीज़ क्या होगी, एक रेश होगा या एरिथमा होगी पाम्स में, दूसरा उसका एलएफटी बड़ी होगी, दो चीज़ें, डायरिया भी हो सकती है, दो चीज़ें काम की है कि कुछ लगाने के बाद 10 दिन बाद हमारे पास एरिथमा में आ रहा है एंड उसका एलएफटी बड़ा हुआ, तो क्या है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। मैकेनिज्म ऑफ कैप्टोप्रिल क्या होता है, कैप्टोप्रिल एक एंजियोटेंसिन 2 इनहिबिटर है, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, केरा इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा कि इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1, 2 नहीं होगा, अगर 1 नहीं है तो 2 कर लेना, ठीक है। अब मेन आरटीए लॉसेस 1.5 लीटर ऑफ ब्लड एंड हैज डिक्रीज जीएफआर, अब इसका वॉल ब्लड लॉस हो, उसका जीएफआर उसका कम है, मोस्ट लाइकली ड्यू टू क्यों होगा, ठीक है, डिक्रीज आर्टेरियल ब्लड फ्लो, तो हमें ब्लड लॉस हुआ है इसका 1.5 लीटर, अब इसका जीएफआर कम है, क्यों होगा, क्योंकि इसका आर्टेरियल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, इसीलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस कौन कराता है, क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजिसिस, ठीक है, जो क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसिट, ठीक है, डी के अंदर ऑप्शन पड़ा है। द मोस्ट करेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, डायरिया वोमिटिंग फीवर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग डायसेंट्री, ठीक है, तो डायरिया एंड वोमिटिंग इसके अंदर होती है, नहीं ई ऑप्शन भी है, ई ऑप्शन में फ्लेसिड पैरालिसिस है, हमेशा बोटुलिनम डायरिया भी कराता है, दूसरा क्या कराता है, फ्लेसिड पैरालिसिस, क्योंकि बोटुलिनम टॉक्सिन जाके एसिटाइल कोलिन की रिलीज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, हमेशा जिसको भी बोटुलिनम हुआ है डायरिया के साथ फ्लेसिड पैरालिसिस होगा, अच्छा बेसिक है सब।